वेलकम टू कुक विद मानसी। आज हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनने वाली एक पुडिंग, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये उन सभी सामान के साथ बन जाती है जो मार्केट में और घर पर ईज़िली अवेलेबल होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम जेली बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जेलो पाउडर यूज़ किया है। मार्केट में ये इजीली मिल जाता है, किसी भी शॉप पे, किराने की शॉप पे आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जिस तरह से पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से हमको फॉलो करने हैं। और ये मिक्सचर हमें बना के तैयार करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। एकदम तेज़ गर्म पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। नाउ वील टेक दिस काइंड ऑफ टम्बलर ग्लासेस। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर ये नहीं मिलते हैं तो नॉर्मल ग्लास जो आते हैं आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। वी हैव टू पोर द मिक्सचर जस्ट लाइक दिस। जेली का जो मिक्सचर है वो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा ध्यान से करिए। और वी हैव टू कीप द ग्लासेस इन दिस पोजिशन, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड पोजिशन में हमें इन्हें रखना है। ये कुछ इस तरह से मैंने ग्लासेस में इसको पोर कर लिया है। इसको फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारी जेली सेट हो रही है, तब तक हम यहाँ पे कस्टर्ड बना के तैयार करेंगे। ठीक उसी तरह से हमें कस्टर्ड भी बनाना है, पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड हमें यूज़ करना है। और इसको मिक्स करना है, फ्लेम को हाई पे रखेंगे। बट ये ध्यान रखना है आपको, इसे कंटिन्यूसली चलाना है, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे पैन में जाके चिपक जाता है, तो वो नहीं होने देना है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड शुगर इनटू इट। सो मैं यहाँ पे 5 to 6 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, उसमें इतनी शुगर सफिशेंट है, क्योंकि शुगर ओवर पावर भी नहीं होनी चाहिए। अगर मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पुडिंग खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हल्के मीठे की मैं पुडिंग बना रही हूँ, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें अगर पाउडर ऐड करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, अगर इसको सेट करने में हेल्प करेगा। तो इसको भी हम अलग मिक्स कर लेंगे। अगर आप डायरेक्टली अगर पाउडर को कस्टर्ड में मिक्स कर देंगे तो लम्स आ जाते हैं, तो अलग से पहले इसको मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप पूरे मिक्सचर में इसको ऐड करिए। अगर पाउडर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जेलेटिन यूज़ कर सकते हैं, अनफ्लेवर्ड जेलेटिन ले सकते हैं आप। अच्छी तरह से जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, इस मिक्सचर में हम इसको डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कस्टर्ड हमारा हल्का सा थिक नहीं हो जाता। फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है। ये देखिए कस्टर्ड हमारा काफ़ी थिक हो गया है, इसमें बबल्स आने लगे हैं। ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें अगर पाउडर भी ऐड किया है। इसमें हम कुछ बेसिक फ्रूट्स डालेंगे, आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हैं। कस्टर्ड जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स मिक्स करेंगे। तो ये कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, पोमीग्रेनेट, आप चाहें तो कोई और फ्रूट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। ग्लास को हमने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं जेली हमारी सेट हो गई है। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। मेक श्योर कस्टर्ड शुड बी चिल्ड दिस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और सभी ग्लासेस को हम ऊपर तक भर देंगे। इसकी गार्निशिंग हम करेंगे थोड़े से कलरफुल टूटी फ्रूटीज के साथ और थोड़े से पोमीग्रेनेट सीड्स के साथ। और अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए एकदम चिल्ड हो गया है, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए। अब आप देख सकते हैं ये एकदम सेट हो गया है। बहुत ही टेस्टी पुडिंग बन के ये तैयार होती है, इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह से आप इसको बना के देखिए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।